अक्षय, अभय, मीका, दिव्या आ जाओ बच्चों। अरे आप लोग। नमस्ते जी। नमस्ते। मम्मी और दीदा नीचे थी मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि मैं उनको ऊपर ले आता हूँ। बहुत अच्छा किया ना पुत्र। महेश कुर्सियां ले आओ जल्दी। हाँ दीदा बैठो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देखकर। वैसे कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। मैं बस रणबीर से मिलने आई हूँ और हमने सोचा इसी बहाने प्राची से भी मुलाकात हो जाएगी। मैं तो कह रही हूँ प्राची भाभी को साथ ही ले जाइए। आई मीन आप लोग सब साथ में होंगे पहले की तरह, इट विल बी नाइस। मीका एक सेकंड, प्राची क्यों जाएगी? अगर रणबीर को लेने आए हैं तो रणबीर को जाने दो ना, प्राची के जाने का क्या फायदा? अरे लेकिन इसमें बुरा भी क्या है, हम ले जाएंगे प्राची और रणबीर को अपने घर हमारे साथ। वाह जी वाह, तो हमारा क्या? माना कि आप लोगों को अपने बच्चों की याद आ रही थी और उन्हें ले जाना चाहते हैं, इनके जाने के बाद हमारा क्या होगा? अब छोड़िए ना, आप कैसी बातें लेके बैठ गए। अब पल्लवी जी बताइए ना, सब कैसे चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है, थैंक यू। सब अच्छा है लेकिन सिर्फ इसकी कमी है, ये हमारे पास आ जाए ना घर पे, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। तूने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? तुझे दर्द हो रहा है क्या? ठीक तो है तू? उसे जरा सी चोट लगी है। चोट लग गई? कैसे लगी चोट? वो किचन में आग लगी थी तो प्राची को बचाते बचाते थोड़ा सा जल गया है। क्या जल गया? मतलब नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं जला, इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा नहीं ठीक हूँ। ये तो फिर भी ठीक है, पर जब इसको चाकू लगा था तब तो ये बेहोश हो गया था। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचती ना तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि वो जगह बहुत सुनसान थी, there was no one there. ए भगवान, पुत्र तू ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, I'm perfectly fine. चल क्या रहा है यहाँ पर? मेरे बेटे को लगा है आप में से किसी ने कुछ कहा नहीं हमें? इतने सारे लोग हैं इस घर में, नहीं नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा हमें। इनकी गलती नहीं है, इतना कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं था, अगर होता तो मैं खुद बताता आपको, इतना कुछ नहीं था। ये बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो तुम? इनका रणबीर पुत्र जी सच में ठीक है? ट्रस्ट मी, मैं एकदम चुस्त बुस्त तंदुरुस्त। हे भगवान, इससे तो छुपाना था सब कुछ। लाओ मुझे मुझे दो, मैं सर्व कर देता हूँ। तुम आराम करो ना। नमस्ते। दीदा मम्मी कैसी हैं? पुत्र मैं ठीक हूँ, बच्चे अगर आंखों के सामने रहे ना तो दिल को तसल्ली रहती है, बच्चों को देख के जान में जान आती है, वरना तो सिर्फ सांसें चलती रहती है। दीदा आप चाय लीजिए ना। हाँ मेरी चाय कहाँ है? तुम्हें चाय चाहिए? हाँ अगर मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। बोलती हूँ संगीता से, वो बना देगी तुम्हारे लिए। मनप्रीत जी, अशोक जी, आई एम सॉरी लेकिन आप दोनों से ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना सब कुछ हो गया, आपको लगा नहीं कि आपको मुझे एक फोन कॉल करना चाहिए था? मेरा उसे इतनी चोट लगी है, जल गया है वो, मैं माँ हूँ रणबीर की, मुझे कैसे नहीं बताया आपने? आई एम सॉरी लेकिन ये नहीं करना चाहिए था आप दोनों को।